इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। जनपद में ट्रिपल मर्डर के बाद पूर्व प्रधान की देर शाम गोली मारकर हत्या। यूपी के जनपद कन्नौज में मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में हुए ट्रिपल मर्डर के बाद पूर्व प्रधान की गोली मारकर हुई हत्या। मौजूद प्रधान के बेटे व उनके समर्थकों पर गोली मारने का आरोप। परिजनों का आरोप चुनावी रंजिश के चलते हत्याकांड को दिया गया अंजाम। देर शाम हत्याकांड से इलाके में दहशत का माहौल। सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक समेत भारी फोर्स मौके पर तैनात। सदर कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर अमरा गांव का मामला। जलालपुर अमरा गांव निवासी रामदास 45 वर्ष पूर्व प्रधान थे। उनकी चुनावी रंजिश हीरापुरवा गांव निवासी वर्तमान प्रधान से चल रही थी। इंडियन टीवी न्यूज पर धर्मेंद्र कुमार के साथ संतोष कुमार रिपोर्टिंग। थाना कन्नौज कोतवाली में कल सायंकाल एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित थी। आज तड़के चेकिंग के दौरान पुलिस पार्टी पर दो बदमाशों ने फायर किया था और जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ पुलिस बल द्वारा भी फायरिंग की गई। इस पूरी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है तथा दूसरा बदमाश गिरफ्तार हुआ है। पूछताछ में यह प्रकाश में आया है कि ये दोनों बदमाश कल हुई हत्या की घटना में संलिप्त थे। पूरे घटनाक्रम की और जानकारी की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।